शहर में शुक्रवार को भी अचानक मौसम बदला और दिन भर जहां चिलचिलाती गर्मी से लोग हलाकान रहे, तो शाम 4 बजे करीब आधे घंटे तेज बारिश ने सड़कें तर बतर कर दी। वहीं मौसम खुशनुमा और ठंडा हो गया। अचानक शुरू हुई बारिश से घर से बाहर निकले लोग बारिश से बचने के लिए जगह तलाशते नजर आए। बारिश शुरू होते ही शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। तेज बारिश से टेकड़ी मोहल्ला क्षेत्र में एक रहवासी मकान का गिरने का मामला भी सामने आया। रहवासी संजीदा हनीफ लाला ने बताया कि उनका मिट्टी से बना पुश्तैनी मकान है, बारिश से अचानक ढह गया। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते परिवार घर से बाहर निकल गया, जिससे सुरक्षित बच गया। हादसे के समय 2 विकलांग बच्चे भी घर में थे। उल्लेखनीय है कि पिछले एक पखवाड़े से बार बार बादलों के छाने का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अंदर थे, एकदम भर गया, एकदम तेज बारिश हुई, और हमारा मकान बैठ गया एकदम पूरा, और हम बाल बच्चे अंदरी से एकदम हाय बाप से हम बचे, हम बाल बाल बच गए, छोटे विकलांग बच्चे भी हैं इसके अंदर, और हम में अभी भी हैं, कुछ 4-5 बच्चे भी हैं हमारे। आवास योजना में आपने आवेदन नहीं करा है? आवास योजना में मकान के लिए हाँ करा था आवेदन? आवेदन ही नहीं करा था। क्यों नहीं करा? कह रहा था कि हमारा अभी हिस्से बांटे हमारे को, हमारे भाइयों ने एक नया पैसा नहीं, आज तक मेरी उम्र 60 साल की हो गई है, एक नया पैसा नहीं दिया है, और ये बेच बेच के सब खा रहा है, और मेरे नाम का जो जगह है वो भी कहीं हड़प कर लेगी। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं साहब यहाँ 20 साल पहले, पूरी उम्र हो गई मेरी, 60 साल हो गए मेरे। बच्चे विकलांग भी हैं आपके? हाँ, बच्चे मेरे भांजो भांजी हैं, विकलांग तो यहीं मेरे पास ही रहते हैं, और खाने कमाने का अभाव कोई साधन नहीं, इसलिए हमारा जल्दी से जल्दी निपटारा कराया जाए। क्या नाम है? भाइयों ने मेरे को अभी तक एक नया पैसा नहीं दिया, हमारे भाइयों ने हिस्सा बांटे में से। क्या नाम है आपका? हनीफ। हनीफ, बारिश हुई तो फिर एकदम गिरा, तो सारे बच्चे हो या अंदर थे, बाल बाल बच्चे, लोगों ने चिल्ला पुकार करी थी। किस तरह की समस्या आती है आपको? अभी ये सब चीज में समस्या आती है, सबसे मंग तुम के सब गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा के हाथों में दोनों में प्लेटर डली है, आरिफ भाई का कोई काम धंधा चलता नहीं, सब मदद करते हैं बस। ये आवेदन करा था आपने कभी आवास योजना के लिए? नहीं, कभी भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? इतने ये पापा नहीं जोर डाल रहे थे कि मेरे भाई आएंगे तो कल मेरे को दे ही देंगे, तो आंख पे ही नहीं आ रहा है, आवाम से भी कह दिया, मस्जिद में भी बात डाल दी, कुछ भी निर्णय नहीं निकल पाया। कब से तकलीफ उठा रहे हैं आप? तकलीफ तो बहुत सालों से तकलीफ उठा रहा है। ये क्या कच्चा मकान? कच्चा मकान था, कच्चा मकान है। अब क्या मांग करते हैं आप शासन से? शासन से यही मांग करते कि हमारा जो कुछ है वो सब कुछ हमारा दिलवा दे, और समस्या हमारे रहने बसने की, अब मेरे पापा की उतनी उम्र नहीं रह गई, उनके 2 बच्चे भी कुंवारे हैं, और फिर 3-4 लाचार भी हैं उसमें, अब जैसे तैसे तो बच्चों को निकला है बाहर। कैसा गुजारा होता है आपका? गुजारा बस ये हम तुमसे मंग तुम का गुजारा होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीदा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।